हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में हरियाणा सीईटी के पेपर में रिपीट क्वेश्चंस को लेकर अब हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में यह न्यूज आई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप 56-57 की परीक्षा में 41 रिपीट सवालों का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। याचिका में आग्रह, ग्रुप 56 का पेपर रद्द हो, भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए, रिपीट सवालों के मामले की जाँच हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी पदों के लिए ग्रुप 56 और 57 की गत 7 अगस्त को हुई परीक्षाओं में 41 सवाल रिपीट होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। विकास राय, रविश, अजय ने याचिका दायर कर आग्रह किया है कि ग्रुप 56 की परीक्षा रद्द हो, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और 41 सवाल रिपीट होने के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अंकुर सिधार ने यह याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर आगामी 16 अगस्त को सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि ग्रुप 56 के लिए 7 अगस्त 2023 को आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र को अनुचित, गैर पारदर्शी, भेदभावपूर्ण, मनमाना, व्यवस्थित धोखाधड़ी के समान होने के कारण, विवादित परीक्षा प्रश्न पत्रों को सिस्टेमेटिक फ्रॉड होने के कारण और न्याय के हित में रद्द किया जाए। प्रतिवादी नंबर 3 को निर्देश दिया जाए कि अपनाई गई भ्रष्ट प्रथाओं के संबंध में मामले की जाँच किसी अन्य स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, ताकि यह पता लग सके कि एक साथ तैयार किए गए 2 प्रश्न पत्रों में 41 प्रश्न उत्तर शब्दशः कैसे थे। यह भी आग्रह किया गया कि उत्तरदाताओं को ग्रुप 56 की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि 41 सवाल जवाब रिपीट होने के कारण ग्रुप 56 के उम्मीदवारों को हानि हुई और ग्रुप 57 को लाभ हुआ, क्योंकि ग्रुप 57 का एग्जाम 6 अगस्त 2023 को हुआ था। यह अपारदर्शी और अनफेयर था, इसलिए ग्रुप 56 का 7 अगस्त को हुए पेपर रद्द करने योग्य है। याचिका में कहा गया है कि 41 प्रश्न उत्तर रिपीट होना मानवीय संयोग नहीं हो सकता, बल्कि यह गहरा भ्रष्टाचार है कि पहले से सेट क्वेश्चन पेपर में से सवाल जवाब उठा लिए जाएं। इस तरह ग्रुप सी की भर्ती में यह भ्रष्ट प्रैक्टिस जारी रहना दिखाती है और इस अदालत के दखल से प्रतिवादी नंबर 3 को जांच करने का निर्देश दिया जाए कि कैसे 41 सवाल जवाब रिपीट हुए। जबकि दूसरी न्यूज यह है कि भोपाल सिंह खदरी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, 5 दिसंबर को सुनवाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। राहुल बनाम भोपाल सिंह खदरी की होगी। याचिकाकर्ता के वकील अंकुर सिधार ने इस याचिका पर आगामी 5 दिसंबर को सुनवाई पहले अवमानना नोटिस दिया था। अब के याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिंगल बेंच ने सीटी स्कोर रिजल्ट को रद्द कर दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद सीटी स्कोर रिवाइज होगा, उसके बाद परीक्षा ली जाए। मगर हाईकोर्ट की डबल बेंच फैसले पर रोक नहीं लगाई, इसीलिए रिवाइज ने एलपीए में सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के किए बगैर आगे भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती। मगर आयोग ने प्रक्रिया जारी रखने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया और नोटिस देने के बावजूद उसे वापस नहीं लिया। आयोग ने ग्रुप 56, 57 की परीक्षा की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आयोग ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार आंसर की पर आपत्ति 14 अगस्त तक जता सकता है। आपत्तियों पर चीफ एग्जामिनर का फैसला अंतिम होगा। उधर आयोग ने पीएमटी के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि कैटेगरी नंबर 102, 295, 140, 201, 243 के लिए, जो पीएमटी शेड्यूल 20 और 21 अगस्त 2023 को होना था, उसे आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। अलबत्ता ग्रुप 56 और 57 के लिए 10 अगस्त से 20 अगस्त तक पीएमटी होगा। उधर अभी तक आयोग ने ग्रुप 56-57 की परीक्षा में रिपीट हुए 41 सवालों पर कोई फैसला नहीं किया है, मगर एडवोकेट जनरल कार्यालय से कानूनी राय मांग रखी है। यह कानूनी राय अभी तक नहीं आई है, क्योंकि सिंगल बेंच के फैसले पर दायर एलपीए पर सुनवाई आगामी 1 सितंबर को होनी है और एलपीए में डबल बेंच ने ग्रुप 56-57 की परीक्षा कराने की अनुमति दी थी और रिजल्ट घोषित नहीं करने को कहा था। इसलिए आयोग इन दोनों ग्रुपों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सकता जब तक हाईकोर्ट की डबल बेंच अनुमति न दे दे। कुछ अखबारों में 11 अगस्त के अंक में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि आयोग इन दोनों ग्रुपों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है। चूंकि अगली सुनवाई 1 सितंबर 2023 को होगी, तब तक आयोग इंतजार करेगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।